नदी में बहुत ही कम पानी है वैसे। जाएगा 50 किलो। आप गरीबों का साथ देते हैं। और सुहाना दिन और एक और नया व्लॉग। आज है संडे यार, आज बहुत ही भयंकर धूप है सिलीगुड़ी में, जिसकी वजह से मैंने ये फुल स्लीव्स पहना है, मतलब गर्मी के लिए नहीं, ताकि मैं धूप से बच सकूँ। मुझे आज एक ट्यूशन पढ़ाना है, एक क्लास करवाना है, तो अभी बस मैं उसी के निकलूंगा। और पता नहीं आज पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ यार, बहुत आलसी लग रहा है आज के दिन, मतलब दिन भर मन कर रहा है सोए इतना गर्मी में। क्या हुआ, आम लेके आ गया ना, कच्चा आम। वाह, रख इसको, इसका वो बनाया जाएगा चटनी। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग में यहीं पे स्टार्ट, और देखते हैं आज पूरे दिन क्या किया जा सकता है। सिलीगुड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अब मैं क्या बताऊँ। सोचा यार घर पे रह गए तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए निकल गया। अभी जाते हैं थोड़ा हिल्स के तरफ, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, जाके थोड़ा ठंडा हवा का और ठंडा वेदर का मज़ा लेके आते हैं। ढाई हज़ार और कितना हुआ? हज़ार ठीक है। इधर आके सही में बहुत शांति मिल रहा है, हर जगह पेड़ ही पेड़ है, जिसकी वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे हल्की सी धूप होने के बावजूद भी उतनी गर्मी नहीं है, मतलब ह्यूमिडिटी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो यही फ़ायदा है हमारे सिलीगुड़ी में रहने का, वीकेंड में हम लोग आराम से हिल्स घूम सकते हैं, डुअर्स घूम सकते हैं। जाके ये ब्रिज घुमाते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तुषार के साथ, और डाउहिल वाले व्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम भी ये पेंट वगैरह नहीं था, पर अभी यहाँ पे पेंट भी हो चुकी है। नदी में बहुत ही कम पानी है वैसे। पैर भिगाने लायक पानी है। फिलहाल ये एक बहुत ही अच्छा एम्बियंस मुझे दिखा है यहाँ पे, तिम्बूर बोल के कोई एक रेस्टोरेंट है, मतलब जैसे कि आप कट टाउन से ऊपर उठोगे आपको दिख जाएगा रास्ते में, एकदम सामने ही है। तो मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सही लगा, और वैसे अभी मैंने लंच ऑर्डर किया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ बस अभी लंच आ जाने का। तो यहाँ से करते जल्दी जल्दी लंच और फिर निकलते घर के लिए। प्लेट आ चुकी है, अब बस नान और मलाई पनीर का इंतज़ार है। चलिए, नान तो आ गया, पनीर भी आ गया, खाऊंगा सब अकेले। हो गया आज का संडे लंच, हेवी लंच। बहुत मस्त जगह है एक्चुअली, आप लोग बहुत आराम से आ सकते हो, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, पहाड़ों के बीच एक इतना सुंदर सा रेस्टोरेंट, और खाना भी बहुत लाजवाब है। चलिए चलते हैं घर अब।
just overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere. अब एक सेफ्टी की बात मैं बता दूं, हमेशा हमें डुअल हेलमेट पहननी चाहिए, क्योंकि हमारे सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यही हम लोगों को हमेशा सूचना दी गई है कि हमें हमेशा हर वक्त डुअल हेलमेट पहन के ही घूमना चाहिए, और मैं इस बात का पूरे सच्चे दिल से पालन करता हूँ। मुझे आशा है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब इस बात का पालन करें। धन्यवाद। अभी बज रहे शाम के 6:30 बज रहा है, बस अंधेरा होने वाला है। हम लोग आए थे फापरी के साइड थोड़ा बैठने के लिए, अड्डाबाजी करने के लिए। क्या सकलीन, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, नहीं उठेगा, उतार उतार उतार। क्या बात कर रहे हैं, ओ चल गया चल गया, हमें छुट्टी दे दे। आप 50 किलो जाए, 50 किलो 50 किलो आप गरीबों का साथ देते हैं। नहीं पहले तो क्या बोला वो बोले उठा है कि मर गया रे, राइट से डाल। सबका खाना हो गया, वैसे ड्यूक का भी खाना हो गया, दीपेश का भी हो गया। ड्यूक अरे ड्यूक वो भी कीड़ा पकड़ेगा, क्या करेगा, कीड़ा पकड़ेगा। हाँ कीड़ा को पकड़ता है, नहीं मैं देख फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया ये। तो चलिए आज के व्लॉग को भी एंड करते हैं, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चैनल बने हो तो चैनल का दूसरा व्लॉग मत भूल देखना मत। अरे क्या बोल रहा है, अभी के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अभी के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। क्या ड्यूक कल मिलते हैं, ठीक है।